दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल में। दोस्तों 14 फरवरी के थर्ड शिफ्ट के एग्ज़ाम खत्म होने के बाद हम आपके सामने उसके एग्ज़ाम एनालिसिस के क्वेश्चंस लेकर आ गए हैं। और आपको पता ही है कि मैं जो एग्ज़ाम एनालिसिस करता हूं उसमें आपको थोड़ी सी डिटेल बातें भी बताता हूं जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन जो है वो हर टॉपिक से रिपीट हो रहा है। एक बार तो पहली बात तो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, और दूसरी बात जो क्वेश्चन अनरिपीटेड है वो उसी टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। आप यकीन माने गौतम बुद्ध से लगभग बहुत सारे क्वेश्चन बन चुके हैं। उसके अलावा दिवस भी स्टार्ट हो गए हैं पूछने, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जब मैं अभी बताऊंगा तो आपसे डिस्कस होता चला जाएगा कि क्या क्या चीज़ें और कौन कौन से टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं। इसमें हिंदी के ज़्यादा क्वेश्चन हमें नहीं मिल पाए हैं, तो हिंदी के क्वेश्चन थोड़े कम हैं, लेकिन जितने भी हैं हम उसी के साथ चलेंगे। ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर 7631833008। इस पर आप हमें अपना जो भी आपका क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आता है आप हमें उस पर भेज सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही 100 क्वेश्चन, अभी तक जीके के जितने भी क्वेश्चन आए थे उसको कलेक्ट करके 100 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया है। और अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन उसमें मिस हो गया है तो आप कमेंट में वो क्वेश्चन ज़रूर बताएं हमें, और इस वीडियो के कमेंट में भी आप मुझे जो जो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ आप वो कमेंट करके बताएं। तो मैं ऐसा करूँगा कि जब मैं और 100 क्वेश्चन बनाऊँगा, 100 क्वेश्चन का वीडियो, तो उसमें मैं उन्हें इंक्लूड कर दूँगा। कोई भी क्वेश्चन हो, हिंदी का हो, मैथ का हो, रीजनिंग का हो, या GK GS का हो, आप कमेंट करें। अगर आपके पास इंग्लिश के क्वेश्चन है तो आप इंग्लिश के क्वेश्चन भी हमें बता सकते हैं, हम सभी क्वेश्चंस को लेके आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए ज़्यादा समय ना व्यतीत करते हुए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले है नाग का सर्प पर्यायवाची शब्द क्या होता है, नाग का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, सीधे आंसर ही बताया गया है। विस्तर है, भुजंग है, अही है, उरग है, काकोदर है, फनीस है, सारंग है, व्याप है, सर्प है, सांप है, व्याल भी है। तो बहुत सारा इसका पर्यायवाची शब्द होता है, आपको 2 3 4 याद रख लेने हैं। जिससे आपको ज़्यादा मज़ा क्या आएगा याद रखने में, सर्प याद ही रहता है, सांप याद ही रहता है, विषधर, ये तीनों चीज़ तो आपको याद ही रहेंगे। उसके अलावा आप एक भुजंग याद कर लें और आप एक फनीस याद कर लें। फनीस, फन मारता है नाग, फनीस। बाकी आप नहीं भी याद करोगे तो चल जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, आकाश को चूमने वाला या गगन को चूमने वाला या आकाश को छूने वाला, दोनों ही तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब एग्जाम में जो भी पूछा गया हो, गगन चुंबी उसे कहते हैं हम, आकाश को चूमने वाला या गगन को चूमने वाला, गगन चुंबी। अगला है जीवन का विलोम शब्द क्या होता है, तो इसका जीवन का मरण होता है, मृत्यु भी होता है। तो अगर जीवन का आप डायरेक्ट पेयरिंग वर्ड, जैसा कि मैंने आपको हमेशा आपको बताया है कि पेयर में हमेशा चलता है ये, पेयर में, तो जब भी अगर मैं पेयरिंग वर्ड की बात करूं तो जीवन का उचित विलोम जो है वो है मरण, लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे कुछ दूसरे ऑप्शन की तो वहाँ पे मृत्यु भी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे हम अपना अगला क्वेश्चन। आगे है हमारा शुद्ध वर्तनी से भी क्वेश्चन पूछे गए, तो हर शिफ्ट में वर्तनी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप हमारा वर्तनी वाला वीडियो देख ले, आपको जरूर एग्जाम में फ़ायदा करेगा। नेक्स्ट, उसके बाद अब देखिए आपको राजधानी पूछना शुरू हो गया है। अभी तक मुद्राएँ पूछे जा रही थी, अब राजधानी पूछना शुरू हो गया है। तो नागालैंड की राजधानी क्या है ये पूछा गया था, तो आपको पता होना चाहिए कोहिमा, नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा। और इसका आपको ये मैं बता रहा हूँ, आपको टास्क है कि आप इसके गवर्नर और राज्यपाल, ये आप गवर्नर, राज्यपाल और मुख्यमंत्री, ये दो चीज़ें आपको बतानी है, मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन है ये आप कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट है प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया गया, तो ये मनाया गया वाराणसी में। ये मनाया कितने तारीख को गया था, तो ये 21 जनवरी से 23 जनवरी तक मनाया गया था, 21 जनवरी से 23 जनवरी तक। और अगर हम बात करें प्रवासी भारतीय दिवस की, तो ये मनाया कब, ये डेट कब मनाया जाता है, तो ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। और ये प्रवासी भारतीय दिवस के लिए जो त्यौहार मनाया जाता है ये वाराणसी में 21 से 23 के बीच मनाया गया था। इसके बारे में आपको बता दूँ कि ये प्रवासी भारतीय दिवस जो है ये विदेश मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, कि इन्हें इनोवेटिव है, और ये 2003 से मनाया जा रहा है, वर्ष 2003 से मनाया जा रहा है, और इस बार ये 15वां प्रवासी भारतीय दिवस था। 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन गांधी जी अफ्रीका से भारत आए थे, तो
तो उन्हीं की याद में ये शुरू किया गया है वर्ष 2003 से। और इस बार जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया तो इसके मुख्य अतिथि थे प्रवीण जगन्नाथ। और प्रवीण जगन्नाथ कौन है ये आप जान लें क्योंकि एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन बन सकता है। तो ये मॉरिशियस के प्रधानमंत्री हैं, मॉरिशियस के प्रधानमंत्री हैं प्रवीण जगन्नाथ, ये आप याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय खिलाड़ी का नाम क्या है? तो ये बिल्कुल ही रिसेंट क्वेश्चन है, मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी ने 56 मैचों में ये रिकॉर्ड अपने नाम किया, 56 मैचों में। और इन्होंने रिकॉर्ड किसका तोड़ा है? तो इन्होंने इरफान पठान का रिकॉर्ड तोड़ा है जिन्होंने 59 मैचों में 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम करा था। और अगर हम विश्व में यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट में बात करें तो इंटरनेशनल क्रिकेट में राशिद खान के पास ये रिकॉर्ड है, उन्होंने 44 मैचों में 100 विकेट लिए हुए हैं एक दिवसीय क्रिकेट में। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हम कि धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो ये 25 से 28 तक है, धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28 के बीच में है, बीच में नहीं, 25, 26, 27, 28, ये 4 अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता ही प्रदान करते हैं। चलिए अगला देखते हैं, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश? तो कुल 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और उसमें से आपको ये पता होना चाहिए अगर क्वेश्चन ऐसा बन जाए कि 7 केंद्र शासित प्रदेशों में कितने केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है, तो आपको पता होना चाहिए कि 2 विधानसभा है उन 7 केंद्र शासित प्रदेशों में। किसमें किसमें है? दिल्ली में और पौंडीचेरी में, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं आगे हम अगला क्वेश्चन। और दूसरी बात कि केंद्र शासित प्रदेश में राज्यपाल नहीं होते हैं, वहाँ उपराज्यपाल होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है ये तो आपको पता ही होगा, क्वेश्चन इसमें था किसने बनवाया है, बीबी का मकबरा किसने बनवाया है? तो ये बनवाया था किसने? शाह आजम ने, शाह आजम ने। ये महाराष्ट्र में स्थित है। और अगर हम बात करें और महाराष्ट्र के औरंगाबाद में शायद ये स्थित है। और अगर हम बात करें बीबी के मकबरा तो इसे हम दूसरा ताजमहल कहते हैं, सेकंड ताजमहल हम इसे कहते हैं। ये बनवाया था आजम शाह ने, जो कि शाहजहां का पुत्र था, और इसने अपनी माँ की याद में ये मकबरा बनवाया था। इनकी माँ का नाम था दिलरस बानू बेगम, दिलरस बानू बेगम ऐसे ही कुछ नाम था इनका। और इनको ये 1668 से 1669 के बीच में बनवाया गया था। और इसे बनाने में जो उस्ताद लगे थे, जो कि मुख्य कलाकार थे, वो ताजमहल बनाने वाले जो कलाकार थे उनके पुत्र थे ये भी आप याद रखें तो आपको बेहतर होगा। चलिए अगला देखते हैं, नटराज की मूर्ति कौन से शासकों ने बनवाया था? नटराज की मूर्ति कौन से शासकों ने बनवाया था? तो ये चोल शासकों ने बनवाया था। और चोल शासकों से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि चोल वंश की स्थापना विजयालय ने करी थी, विजयालय विजयालय, क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि विजयालय किसी आदमी का नाम नहीं लगता है और लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि विजयालय किसी आदमी का नाम नहीं है, तो ये इसमें कन्फ्यू, लेकिन आप याद रखें चोल जो है वो विजयालय विजयालय नाम के व्यक्ति ने इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह कर्नाटक राज्य में है। कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में है। और यह फेमस किस लिए है? तो यह बाघ के लिए फेमस है। और यह जो नेशनल पार्क है इसे टाइगर रिजर्व भी घोषित कर दिया गया है, टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। अगला देखेंगे, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है उत्तराखंड में, उत्तराखंड में स्थित है। और इसके बारे में आपको जानना ये है कि ये 1982 में ये बना था, ये 1982 में बना था, और 1988 में इसे यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जगह दी थी, यानी कि विश्व धरोहर में जगह दे दी थी। तो ये एक विश्व धरोहर भी है, ये भी आप याद रखें। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम कि चुनाव सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं इसकी नियुक्ति, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और अभी वर्तमान में सूचना आयुक्त कौन है? हमारे मुख्य सूचना आयुक्त, जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं वैसे ही मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं, और जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ 2 चुनाव आयुक्त होते हैं तो मुख्य सूचना आयुक्त के साथ भी 2 असिस्टेंट्स होते हैं सूचना आयुक्त। तो मुख्य सूचना आयुक्त जो हैं अभी सुधीर भार्गव हैं, ये आप याद रखें। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष की इकाई है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ये दूरी की इकाई है, प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी की इकाई है। और प्रकाश वर्ष कहते किसको हैं हम? तो लाइट के द्वारा प्रकाश जो एक साल में जितनी भी दूरी वो तय करता है उसे हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करेगा वो हो जाएगा
प्रकाश वर्ष, और एक प्रकाश वर्ष में कितना साल होता है, कितना सॉरी किलोमीटर होता है, तो ये होता है 9.46 × 10^12 किलोमीटर। 9.4 मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, 9.46 × 10^12 ये किलोमीटर में बात हुई, किलोमीटर में ये बात हो रही है, 9.6 × 10^12 किलोमीटर, ये आप याद रखें। वहीं अगर ये मीटर में होता है तो मीटर में ये चेंज हो जाता है, 12 की जगह 15 हो जाता है, तो ये आप याद रखें। चले अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, मलेरिया किससे फैलता है। मलेरिया तो ये प्रोटोजोआ कवक से होता है, प्रोटोजोआ से फैलने वाला है, और आपको पता होना चाहिए कि ये मलेरिया जो है ये एनाफेलिस मच्छर के काटने से होता है, लेकिन एनाफेलिस मच्छर इसके लिए जिम्मेदार तो है, लेकिन एनाफेलिस मच्छर के लार में प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ पाया जाता है, प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ पाया जाता है, जो जब वो हमारा खून चूसता है तो उसके अंडे, उसके जो जिस जो वो लार जो थूक जब खून चूसते समय हमारे थूक खून पे गिराता है अपना थूक, तो उस थूक के साथ प्लाज्मोडियम का जो अंडा होता है वो हमारे शरीर में आ जाता है, और वही आगे चल के इस रोग का वाहक होता है, और उसी वही इस रोग को फैलाता है शरीर में। मलेरिया से सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं, मलेरिया दिवस, मलेरिया डे एक मनाया जाता है, कब, 25 अप्रैल को, मलेरिया डे 25 अप्रैल को मनाया जाता है, ये भी आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत बल की इकाई क्या है। विद्युत बल की इकाई क्या है, वोल्ट। विद्युत बल की इकाई क्या है, वोल्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था। ये वर्ष 2018 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ है उसकी बात की गई है, वर्ष 2018 में, वर्ष 2018 में, तो ये रूस में हुआ था, रूस में हुआ था। इसमें जीता कौन था, फ्रांस, फ्रांस जीता था। किसको हराया था, क्रोएशिया को हराया था, फ्रांस ने क्रोएशिया को हराया था। फ्रांस का ये दूसरा टाइटल था, फ्रांस ने इसे दूसरी बार अपने नाम किया था, और क्रोएशिया पहली बार फाइनल में पहुंचा था लेकिन वो वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया था। वहीं अगर हम बात करें आगे होने वाले, तो आगे 2 बार के वर्ल्ड कप फाइनल हो चुके हैं कि कहाँ कहाँ होना है, तो 2018 के बाद 2022 में वर्ल्ड कप होगा कहाँ पे, 2022 में होगा कतर में, 2022 में होना है कतर में, और उसके बाद कहाँ कब होगा, 2026 में, तो 2026 में ये होना है यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में। यूएसए, कनाडा और मैक्सिको तीनों जुड़े हुए देश हैं, सटे हुए देश हैं आपस में, नॉर्थ अमेरिका के ये देश हैं, तो यहीं पे होना है। चलिए और इसके बाद थोड़ी सी और जान कि फीफा वर्ल्ड कप जो है महिलाओं का भी होता है, फीफा वर्ल्ड कप महिलाओं का भी होता है, और अगला फीफा वर्ल्ड कप आपके शायद एग्जाम में पूछ लिया जाए, 2019 में होना है महिलाओं के लिए, फ्रांस में होना है। कहाँ होना है, फ्रांस में। अगर हम फीफा वर्ल्ड कप की बात करें तो यह 1930 में पहली बार खेला गया था, यह पुरुषों का मैच था, 1930 में पहली बार पुरुषों का फीफा वर्ल्ड कप खेला गया था, उरुग्वे में यह खेला गया था और उरुग्वे ही इसे जीता था, उरुग्वे में खेला गया था और उरुग्वे ही इसे जीता था। और वहीं अगर हम महिलाओं की फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत की बात करें तो 1991 में चीन में पहली बार फीफा वर्ल्ड कप महिलाओं के लिए खेला गया था। अगर हम पुरुषों की बात करें तो सबसे ज़्यादा फीफा वर्ल्ड कप ब्राज़ील ने जीता है 5 बार, और महिलाओं में सबसे ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जीता है 3 बार। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन, हम पीवी संधू किस खेल से संबंधित है, तो ये बैडमिंटन से संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित है। इनका नाम सबसे ज़्यादा फेमस हो गया था कब, जब इन्होंने वर्ष 2016 के ओलंपिक गेम्स में रजत पदक जीत गई थी ये, यानी कि ये फाइनल्स तक पहुंच गई थी। फाइनल में ये स्पेन की एक खिलाड़ी थी कैरोलिना मरीन, कैरोलिना मरीन के हाथों से हार गई थी, लेकिन ये फाइनल तक पहुंची थी, और ऐसा करने वाली एकमात्र शटलर बनी थी, शटलर यानी कि बैडमिंटन प्लेयर बनी थी, ना पुरुष में ना महिलाओं में किसी ने ऐसा किया था, ये पहली खिलाड़ी बनी थी। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन, हम भारत ने पहला टेस्ट मैच किसके विरुद्ध खेला था, तो ये इंग्लैंड के विरुद्ध खेला था, भारत ने पहला टेस्ट मैच अपना इंग्लैंड के विरुद्ध खेला था, कब खेला था, 1932 में खेला था, 1932 में, और उसमें भारत के कप्तान थे सी के नायडू। और इस मैच में भारत के लिए सबसे खास बात था कि एम निसार नाम के एक व्यक्ति ने 5 विकेट लिए थे पहली बार, 5 विकेट लिए थे एम निसार ने। वहीं थोड़ी सी और बातें, अगर पहला वनडे की बात अगर कर ली जाए आपसे, फर्स्ट वनडे की बात कर ली जाए, तो भारत ने इंग्लैंड के विरुद्ध ही खेला था 13 जुलाई 1974 को, 13 जुलाई 1974 को, और भारत ने पहला T20 मैच अपना अपना पहला T20 मैच, जो सबसे नया गेम है, 1 दिसंबर 2006 को खेला था साउथ अफ्रीका के खिलाफ। और आपको बता दूं कि भारत जो 2007 में
T20 वर्ल्ड कप खेलने गया था, तो उससे पहले ये भारत का एकमात्र T20 था। इससे पहले भारत ने सिर्फ एक T20 मैच खेला हुआ था, ये वाला, और इसी में एक सिर्फ सचिन तेंदुलकर ने यही एक मैच खेला था T20, और उसके अलावा उन्होंने कोई भी T20 इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जठर रस का कार्य क्या है? तो ये जठर रस का कार्य क्या है? भोजन को पचाना, भोजन का पाचन इसका कार्य है। और क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जठर रस में क्या पाया जाता है, तो जठर रस में HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, आर्यन मल्होत्रा का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये बीमा क्षेत्र से है, आर्यन मल्होत्रा का संबंध बीमा से है, बीमा में सुधार के लिए। नेक्स्ट है, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम्स क्या हैं? प्रोटीन के पाचन में ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन है सहायक एंजाइम। नेक्स्ट है, जातक कथाएं संबंधित हैं किससे? तो ये गौतम बुद्ध से संबंधित, और गौतम बुद्ध से तो हर शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहे हैं, कभी उनका जन्म स्थान पूछ लिया जा रहा है, कभी उनके उनकी पत्नी का नाम पूछ लिया जा रहा है, कभी उनके पुत्र का नाम पूछ लिया जा रहा है, और अभी जातक कथाओं से। इससे पहले एक बार पूछा गया था कि जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उसे कोई उसे क्या कहा गया था, महापरिनिर्वाण। तो गौतम बुद्ध से रिलेटेड मैं आज के दोनों वीडियोस में अच्छे से डिटेल करके आपको बता चुका हूँ, आप अगर आपको नहीं पता है तो आप एक बार विजिट कर लें, आज के दोनों शिफ्ट के एनालिसिस आपको अच्छे से डिटेल में पता चल जाएंगे। तो दोस्तों हमारे पास जितने प्रश्न आए थे हम इतने ही क्वेश्चन उसमें ला पाए हैं। अगर आपको लगता है कि कोई प्रश्न हमसे छूट गया है या हमने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि वो कौन कौन से प्रश्न हैं जो हमसे छूट गए हैं। तो दोस्तों अब मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, यहाँ पर आप हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें इस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज लाते रहते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत जो आप करते हैं उसे चार चांद लगा देंगे, ताकि आप अगर हमारे मेहनत से आपको 5-7 मार्क्स या 2-3 मार्क्स भी आपकी बढ़ती है तो ये हमारे लिए खुशी की बात होगी। तो हम इतना तो कर ही देते हैं कि आपको एग्जाम में कुछ मार्क्स का ग्रो मिल जाए। तो इसके लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, नीचे आपको रेड कलर से सब्सक्राइब का बटन अगर दिख रहा था, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे अभी दबाकर सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ इस वीडियो को अपने सभी साथियों में शेयर कर दें ताकि वो भी थोड़ा बहुत एग्जाम के बारे में अवेयर हो सकें। तो दोस्तों अब मैं लेता हूँ आपसे विदा, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।